हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम HP के 15S FQ2626TU और Infinix के X1 Slim लैपटॉप का कंपैरिजन करेंगे। और ये दोनों ही लैपटॉप्स कुछ ही समय पहले इंडिया में लॉन्च हुए थे। और गाइस बता दूं, इनकी प्राइस में सिर्फ 6000 रुपये तक का फर्क है। और हमें इन दोनों लैपटॉप्स में काफ़ी शानदार कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाती है। और ये लैपटॉप्स प्रीलोडेड विंडोज 11 होम, 8GB रैम और NVMe SSD स्टोरेज के साथ आते हैं, जिससे लैपटॉप्स उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल डील रहेंगे जो नॉर्मल एडिटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग या अदर ऑफिस वर्क के लिए एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन दोनों लैपटॉप में से कौन सा लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों लैपटॉप के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स की प्रोसेसर्स के बारे में। तो HP के 15S में इंटेल का 11 जनरेशन का कोर i3 1125G4 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इसमें 2.0 GHz की बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, जिसे आप 3.7 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स का रहने वाला है, जबकि Infinix के लैपटॉप में इंटेल का 10th जनरेशन का कोर i3 1005G1 प्रोसेसर दिया गया है। और इसमें 1.2 GHz की बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, जिसे आप 3.4 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और इसमें 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस, प्रोसेसर के मामले में मुझे कोई डाउट नहीं है कि HP के लैपटॉप में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों ही प्रोसेसर्स में पूरे एक जनरेशन का गैप है। और इंटेल के 11 जनरेशन के प्रोसेसर में कोर्स, थ्रेड्स और क्लॉक फ्रिक्वेंसी डबल है एज कम्पेयर टू इंटेल कोर i3 1005G1, जिससे HP के लैपटॉप में वीडियो रेंडरिंग की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी और आपको अपने ऑफिस के डे टू डे के टास्क के लिए बटर स्मूथली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो HP के 15S में इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, जबकि Infinix के लैपटॉप में भी इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। और ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आते हैं, जिससे गाइस आप इनमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं और बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग वाले टास्क भी कर सकते हैं। और रैम की बात करूं तो HP के 15S में 8GB की 3200 MHz की क्लॉक स्पीड वाली DDR4 रैम दी गई है, जिसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जबकि Infinix में भी 8GB की 3200 MHz की क्लॉक स्पीड वाली DDR4 रैम दी गई है। पर गाइस, आप इसमें रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, रैम के मामले में भी HP का लैपटॉप एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि HP के लैपटॉप में आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे आपके लिए HP का लैपटॉप एक फ्यूचर प्रूफ डील रहेगा। और स्टोरेज के बारे में बताऊं तो इन दोनों लैपटॉप्स में 256GB की NVMe SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे गाइस इन दोनों लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी। और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सनेस देखने को मिल जाएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो गाइस, इन दोनों ही लैपटॉप्स में प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है, और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी बात है। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्लेस के बारे में। तो HP के 15S में 15.6 इंचेस का फुल HD SVA डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और वो भी एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ। और आपको इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% तक का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि Infinix में 14 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, और वो भी एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ। और इसके डिस्प्ले में 300 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड करवाई गई है, और वो भी 100% sRGB कलर एक्यूरेसी के साथ। सो गाइस, यहाँ पर आपको Infinix के लैपटॉप में काफ़ी शानदार वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू HP's लैपटॉप डिस्प्ले, क्योंकि आपको Infinix के लैपटॉप में IPS पैनल का सपोर्ट मिलेगा, और इसी के साथ इसमें 300 निट्स की ब्राइटनेस और 100% sRGB कलर एक्यूरेसी भी दी गई है, जिससे डिस्प्ले आपके वीडियो स्ट्रीमिंग के पर्पस के लिए काफ़ी औसम रहेगा। और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो गाइस, HP के लैपटॉप में Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 का सपोर्ट
रहने वाला है, जबकि इन्फिनिक्स में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लूटूथ के वर्जन में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और लैपटॉप के स्पीकर्स की बात करें तो गाइस, इन दोनों ही लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, और इन दोनों लैपटॉप की स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट रहने वाली है। वेबकैम के बारे में बताऊं तो HP के लैपटॉप में HP का ट्रू विजन 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम देखने को मिलता है, और वो भी इंटीग्रेटेड डुअल रे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ। और वहीं इन्फिनिक्स के लैपटॉप में भी HD वेबकैम का सपोर्ट मिलता है, और वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ। और इसके वेबकैम में 2 LED लाइट्स भी दी गई हैं, जिससे आप इसमें अंधेरे में भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स की बैटरीज के बारे में। तो HP के लैपटॉप में 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिससे आपको इसमें 3-4 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। कि इन्फिनिक्स के लैपटॉप में 50 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिससे आपको इसमें 4-6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ के मामले में आपको इन्फिनिक्स के लैपटॉप में थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के पोर्ट्स के बारे में। तो HP के लैपटॉप में 1 चार्जिंग पोर्ट, 2 USB टाइप ए पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप सी पोर्ट, 1 microSD कार्ड का स्लॉट और 1 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। जबकि इन्फिनिक्स के लैपटॉप में 2 USB टाइप ए पोर्ट्स, 2 USB टाइप सी पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 microSD कार्ड का स्लॉट और 1 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। और कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो HP के लैपटॉप में फुल साइज का नन बैकलेट कीबोर्ड दिया गया है, और वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ, जबकि इन्फिनिक्स के लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का बैकलेट कीबोर्ड दिया गया है। तो गाइस, कीबोर्ड के मामले में भी इन्फिनिक्स का लैपटॉप एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि गाइस ये लैपटॉप बैकलेट कीबोर्ड के साथ आता है, जिससे आप इस लैपटॉप को नाइट में भी यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन से यह पता चलता है कि हमें इन दोनों लैपटॉप में काफ़ी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये दोनों लैपटॉप्स काफ़ी बढ़िया हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HP के लैपटॉप को कंसीडर करें, क्योंकि इसमें इंटेल का 11 जनरेशन का प्रोसेसर और रैम को एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको इसमें ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, और आप इसमें नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग भी कर सकेंगे। पर अगर आपका बजट कम है और आपका कोई ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, बस आपको अपने डे टू डे के टास्क और वीडियो स्ट्रीमिंग के पर्पज़ के लिए लैपटॉप बाय करना है, तो आप इन्फिनिक्स के लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। और इसके डिस्प्ले में IPS पैनल का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आपको इसमें काफ़ी शानदार वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और चलिए अब जानते हैं दोनों लैपटॉप की कीमत के बारे में। तो HP के लैपटॉप की कीमत है 36,000 रुपीज़, और वहीं इन्फिनिक्स के लैपटॉप की कीमत है 30,000 रुपीज़। और आप इन दोनों लैपटॉप को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप के लिंक मिल जाएंगे। और यदि आप इन लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, और आप इन लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं।